बोले अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर रीडिंग लेसन नंबर 4, द पोलर रीजन्स एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिट नंबर 1, सोशल स्टडीज। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 26 एंड द टॉपिक इज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज द रीजन अराउंड द साउथ पोल। इट इज वास्ट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट। This area is even colder than the Arctic, with temperatures dropping to at low as -87°C. Icy winds blow at speed of 300 km/h. इसका मतलब यह है कि एंटार्क्टिका एक ऐसा रीजन है साउथ पोल की तरफ जिस पे शदीद तरीन सर्दी पड़ती है। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा -87°C इट टू मच। हमारे यहाँ पे अगर हम -2, -2, -3, -5 तक चले जाएं तो शदीद तरीन सर्दी की वजह से हम हीटर ऑन कर लेते हैं, हम लोग कमरों को गर्म कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, हमसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि -87° इज़ टू मच कोल्डर। और विंडी आइस ब्लोज यानी यहाँ जो हवाएं चलती हैं शदीद तरीन सर्द हवाएं, वो 300 किलोमीटर एक घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इन 1911 नॉर्वेजियन कॉल्ड रोल्ड एम्सन वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच द साउथ पोल। ये नॉर्वेजियन एक बंदा था जो जिसे हम कहते हैं कि ये लोग जो हैं एक्सप्लोर करते हैं और ये जो हैं इधर से उधर उधर से उधर से मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र करते हैं और हमें बताते हैं। ये पहला बंदा था जो इसने जो है वो साउथ पोल तक पहुंचा था। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी लेकिन कोई नहीं पहुँच सका। एंटार्क्टिका इज़ अ लार्ज कॉन्टिनेंट सेपरेटेड फ्रॉम द नियरेस्ट अदर लैंड मैस South America by nearly 1000 kilometers of the roughest ocean in the world. यानी कि ये 1000 किलोमीटर जो है वो अमेरिका साउथ अमेरिका से ज़रा आगे की तरफ है। और रफेस्ट का मतलब इसलिए क्योंकि यहाँ पर शदीद तरीन सर्दी पड़ती है और यहाँ पर ज़िंदगी के कोई इम्कान नहीं है। द कॉन्टिनेंट कंटेन्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वर्ल्ड आइस। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दुनिया में 90% जो है बर्फ वो यहाँ पे पाई जाती है। द फर्स्ट एक्सप्लोरर्स इन दिस रीजन फाउंड अ लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। इट इज बिटरली कोल्ड एंड देयर आर फ्रीक्वेंट हरिकेन्स होते हैं जो हरिकेन्स होते हैं जो जिन्हें भंवर कहते हैं या वो गोल गोल दायरे में जो आपने देखा होगा कार्टून्स में उनको जो है टोर्नेडोज वगैरह जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं ठंडे और ये वो शदीद सर्दी में लिपटे हुए बर्फीले। ओनली अ फ्यू हार्डी प्लांट्स लिव थ्रू द शॉर्ट समर बट सील्स वेल्स एंड पेंगुइन्स ऑल लिव हेयर। ये तो अल्लाह ताला ने इन लोगों चीज़ों को ऐसा बनाया है कि सील्स हो गए समर वेल्स हैं और पेंगुइन्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये पेंगुइन्स आर्कटिक में नहीं रह सकते, पेंगुइन्स रहते हैं शदीद तरीन सर्दी में। और आपने देखे होंगे पेंगुइन्स कितने प्यारे प्यारे से होते हैं। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका देयर आर माउंटेन्स विच आर 2000 to 3000 meters हाई। द माउंटेन्स स्नो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स डीप क्रेविसेस, मैंने आपको बताया था गहरे गहरे शगाफ, शिफ्टिंग शीट्स ऑफ आइस एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लिजर्ड्स मेक दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर anyone टू एक्सप्लोर। ये आपने अब देखा कि यहाँ का जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर शदीद तरीन सर्दी और बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, बल्कि बाज़ पहाड़ तो इनके होते ही बर्फ़ के, और उसके बाद उनके जो है एक जगह से दूसरी जगह आइस के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो मूव करते हैं। यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर इतना शदीद किस्म का है, शदीद ठंडा, कि वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो गुजारना या वहाँ पे रहना जो है वो नामुमकिनात में से है। फ्रॉस्ट बाइट इज़
कॉज्ड व्हेन एक्सट्रीम कोल्ड इफेक्ट्स द फेस फिंगर्स एंड टोज। फ्रॉस्ट बाइट वो होता है कि जिसकी वजह से इंसान का जिस्म में खून जो है वो जमना शुरू हो जाता है और उसके फिंगर को या हाथ को या बाजू को आप हाथ से तोड़ेंगे ना तो वो टूट जाएगा जिस तरह बर्फ को तोड़ा जाता है, क्योंकि वो सारी फिंगर या हाथ जो है जो भी है वो फ्रीज हो जाता है। टुडे एंटार्क्टिका इज स्टिल इनहेबिटेड। वेरियस कंट्रीज हैव सेट अप रिसर्च स्टेशंस देयर वेयर साइंटिस्ट रिकॉर्ड द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। इसको मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान रह नहीं सकता जिन चीजों को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसके अलावा। देयर मे बी ऑयल और वैल्यूएबल मिनरल्स हेयर बट नो माइनिंग इज डन एज द एंटार्क्टिक ट्रीटी प्रोटेक्ट्स द एनवायरमेंट ऑफ दिस रीजन। यहाँ पे लोगों ने बहुत कोशिश की कि माइंस यानी कि गहरी गहरी खुदाइयाँ करके गारें बना के किसी तरीके से कोई दरियाफ्त कर सकें, ढूंढ सकें कि शायद ऑयल हो या किसी भी किस्म का मिनरल हो जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वहाँ का शदीद तरीन टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ तक तो आप लोगों को आज मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह तो है व्हाई डू वी एक्सप्लोर, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अंटिल देन गुड बाय।